नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। ये बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होने जा रही है। जहां प्राइवेट शराब दुकानें दिल्ली में आज से बंद हो जाएंगी, शराब को लेकर हर डिस्काउंट और ऑफर भी आज से लागू नहीं होगा। तो अब दिल्ली में केवल सरकारी ठेकों पर ही शराब मिलेगी। शराब के शौकीनों के लिए ई आबकारी ऐप भी सामने आ गया है। तो आज से नई आबकारी नीति वो खत्म हो चुकी है। तो आपको बताएं, शराब को लेकर हर डिस्काउंट और ऑफर आज से लागू नहीं होगा। अब दिल्ली में केवल सरकारी ठेकों पर ही शराब उपलब्ध होगी। शराब के शौकीनों के लिए कहा जा सकता है ये बहुत अच्छी खबर नहीं, लेकिन बड़ी खबर जरूर है। देखिए, आज से आबकारी नीति जिसे लेकर सियासी बवाल आपने दिल्ली में देखा, आज से वो लागू अब दिल्ली में नहीं होगी। दिल्ली में सरकारी ठेके के दिन लौटे। आज से दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी। दिल्ली में मधुशाला के अच्छे दिन आए। दिल्ली में शराब पर खत्म होगा बवाल। बुधवार को दिल्ली में शराब की दुकानों पर शौकीनों की भारी भीड़ उमड़ी। शराब खरीदने के लिए लोगों में होड़ लगी नजर आई। हालात ऐसे हो गए कि कई जगह तो जाम जैसी स्थिति बन गई। शराब खरीदने के लिए गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद से लोग दिल्ली भागे चले आए। अब आपको बताते हैं कि आखिर शराब के शौकीनों की भीड़ दुकानों पर उमड़ी क्यों। दरअसल राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर यानी आज से दोबारा पुरानी शराब नीति लागू हो रही है। इसके चलते शराब की करीब 300 निजी दुकानों का बुधवार को दिल्ली में आखिरी दिन था। इसी को देखते हुए दुकान संचालकों ने सेल लगा दी। दुकानों के बाहर सेल और ये दुकान 31 अगस्त को बंद हो जाएगी का बोर्ड टंग गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते शौकीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति का आज आखिरी दिन है। 1 सितंबर से पुरानी जो शराब नीति जो है वो फिर से चालू हो जाएगी, जिसके तहत ज्यादा ठेके शुरुआत के दिन खोले जाने हैं। आज हम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं शराब के ठेके पर बेतहाशा भीड़ लगी हुई है। लोग जो है वो स्टॉक करना चाहते हैं, क्योंकि आज ऑफर का जो है वो आखिरी दिन है। आज के बाद किसी तरह का ऑफर किसी को नहीं मिलेगा और कल से जो है सरकारी दुकानों पर शराब बिक्री चालू हो जाएगी। अब दिल्ली में आज से शराब के खरीदारों को ऑफर पर शराब नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद शराब दुकानदारों ने बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर शुरू किए थे, लेकिन सवालों में घिरने के बाद अब इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया है, जिसके चलते 1 सितंबर यानी आज से राजधानी में शराब की निजी दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली में 1 सितंबर यानी आज से फिर से पुरानी शराब नीति लागू हो गई। शराब बिक्री के लिए फिर से सरकारी दुकानें खुल रही हैं। 300 से अधिक शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया भी जा चुका है। दिसंबर तक 700 दुकानें खोलने का सरकार का लक्ष्य है। पुरानी व्यवस्था बहाल होने के बाद अब शराब के नए ठेके कहां खुलेंगे, ये सवाल शराब शौकीनों को परेशान कर रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ई आबकारी ऐप के रूप में इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया है। इस ऐप के जरिए शराब के नजदीकी ठेके से लेकर वहां उपलब्ध ब्रांड तक हर जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। इस ऐप के जरिए ड्राई डे के संबंध में भी जानकारी मिलेगी। ऐप के जरिए शराब की दुकानों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर्च कर सकेंगे। इस ऐप में बॉटल्स स्कैनर टूल होगा, जिसके जरिए लोग ये पता लगा सकेंगे कि शराब असली है या नकली। शराब की दुकानों के खुलने की टाइमिंग क्या होगी, ई आबकारी ऐप के जरिए ये जानकारी मिल जाएगी। फॉरेन लिकर की कौन सी ब्रांड उपलब्ध है और क्या वो किसी दुकान पर मिलेगी भी या नहीं, इसे लेकर भी इस ऐप के जरिए आप घर बैठे जानकारी ले सकेंगे। ऐप में शिकायत का विकल्प भी है, जिसके जरिए लोग शराब की खरीद से संबंधी किसी भी तरह की समस्या होने पर शिकायत कर सकेंगे। शराब के ठेके खोलने को लेकर एक्साइज विभाग के अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सरकारी गोदामों में अब तक 50 लाख पेटी शराब पहुंच भी चुकी है। 2 दिन में और शराब आ जाएगी। देखना यह है कि शराब की नई नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो गदर मचा है, वो पुरानी नीति के लागू होने के बाद खत्म होता है या और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।